घर में माँ लक्ष्मी के आगमन से पहले मिलते हैं कई संकेत, दिखते ही समझ लें शुरू होने वाली है धन की वर्षा। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके घर माँ लक्ष्मी का वास हो, इसके लिए वो दिन रात खूब मेहनत करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ लक्ष्मी भी आने से पहले भक्तों को संकेत देती हैं? ये जानते हैं इन संकेतों के बारे में। जब भी माँ लक्ष्मी आपके घर में आती हैं, उससे पहले ऐसी मानता है कि अगर अचानक से घर में काली चींटियां झुंड बना लें और कुछ खाने लगें, तो इसे माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। घर में किसी चिड़िया का घोंसला बनना भी शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि घर में एक ही जगह पर तीन छिपकलियों का दिखाई देना भी माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। इसे काफी शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन तुलसी के पौधे के आसपास छिपकली का दिखाई देना भी शुभ संकेत होता है। वहीं तुलसी के पौधे के आसपास कई सारी छिपकलियों का दिखाई देना विपरीत संकेत होता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपके दाहिने हाथ में लगातार खुजली हो रही है तो ये शुभ संकेत माने जाते हैं। अगर किसी जातक को सोते समय सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, हाथी, बंसी, नेवला, शंख, छिपकली, सांप, गुलाब आदि दिखाई देते हैं तो इसे धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगर सुबह उठते ही आपको शंख की आवाज सुनाई दे, ध्वनि सुनाई दे, तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं और आपको गन्ना दिखाई देता है तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको कई दिन तक घर के बाहर निकलते समय कोई झाड़ू लगातार दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपका कोई बड़ा विवाद सुलझने वाला है, साथ ही आप बहुत जल्द धनवान बनने वाले हैं, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। घर के बाहर जाते समय अगर कोई कुत्ता मुंह में रोटी या फिर कोई खाने की शाकाहारी चीज लाता दिखाई देता है तो इसका मतलब है माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जल्द होने वाली है, जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है। ये कुछ संकेत हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। दर्शकों, इस बात का जरूर ध्यान दें कि जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं तो माँ लक्ष्मी भी हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होती हैं। इसलिए हमेशा मेहनत करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है, तभी माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर होती है। यदि आपके कोई प्रश्न है या आप वास्तु संबंधी कोई दूसरी वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।